तो पहला जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे वो सिंपल ये है कि कैसे हम NumPy का यूज़ करके भी प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट, जो भी आप बोलना चाहें इसको, और इसमें NumPy का यूज़ करके मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा इसमें कि NumPy का यूज़ करके हम कैसे ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, NumPy का मतलब जैसे कि पहले डिस्कशन ने किया है, ये एक न्यूमेरिकल पाइथन नाम से इसको हम समझते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल पाइथन। देन उसके बाद न्यूमेरिकल पाइथन इसका नेम है और इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं आइदर 2D फॉर्मेट और आइदर 3D फॉर्मेट, ठीक है। तो जैसे हम लिस्ट को यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम न्यूमेरिकल पाइथन को और NumPy को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम इसको इंपोर्ट करेंगे, तो NumPy नाम का एक मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का नाम है NumPy, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंपोर्ट करने का तरीका होगा इंपोर्ट NumPy एज NP, ठीक है। तो इस मेथड से हम NumPy को इंपोर्टिंग NumPy मतलब NumPy को हम इस मेथड से इंपोर्ट किया जा सकता है, पहली बात। दूसरा इसमें क्या है, जैसे ही हम लिखते हैं एक फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है अरेंज फंक्शन। तो अरेंज फंक्शन की खास बात यह है कि अरेंज फंक्शन को कुछ वैल्यू पास करनी होती है, लेट से स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू का हम असाइन करते हैं 0, स्टॉप की वैल्यू का असाइन करते हैं 8 और स्टेप की वैल्यू का असाइन करते हैं 2, तो यहाँ पे जो फंक्शन है ये कुछ वैल्यूज़ को जनरेट करेगा, ठीक है। और ये जो वैल्यूज जनरेट होंगी, दीज वैल्यू कैन बी 0, 2, 4 एंड 6। तो इसमें एक कंडीशन है कि स्टॉप विल नॉट बी इंक्लूडेड। अच्छा, ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो हर बार अगर हम खुद से कुछ ग्राफ क्रिएट करेंगे कुछ वैल्यूज़ के लिए, तो बार बार हम नई नई वैल्यूज़ को सेट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ को असाइन करते हैं जो अपने आप सिस्टम जनरेट कर दें। तो उस केस में अगर मैं चाहता हूँ कि 0, 2, 4, 6 जनरेट हो जाए, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली अगर ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ np.arrange 0, 8, 2 और यहाँ पर लिख देता हूँ t, तो ये t नाम का जो वेरिएबल है NumPy वेरिएबल हो जाएगा और इस NumPy वेरिएबल पर जो डेटा स्टोर होगा वो होगा 0, 2, 4 एंड 6, तो जिसको हम आगे ग्राफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक एक्सेस को में प्लॉट करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। हमारे पास जो ये होता है स्टार्ट, ये जो स्टेप होता है ये ऑप्शनल होता है, मतलब कि अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये यूज काम करेगा, नहीं डिफाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये +1 पे इसको यूज़ कर। तो +1 इसको यूज़ करता है ये, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। लाइन ग्राफ ही चल रहा है, इसमें ये है टॉपिक मल्टीपल व्यूज़ का, कि आप कैसे एक ही जगह पर मल्टीपल व्यूज़ दे सकते हैं। मल्टीपल व्यूज़ का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है आपके पास और इस ग्राफ में आप एक जगह पर एक चीज़ का कंपेयर, एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और दूसरी जगह पे दूसरी चीज़ का ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं, तो ये होता है मल्टीपल व्यूज़ करना, ठीक है। जैसे एक ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसा शो कर रहा है, एक ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसा शो कर रहा है, तो ये मल्टीपल व्यूज़ को चेक करने का तरीका होता है। तो मैं इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे इसमें स्विच करता हूँ और यहाँ पर हम गूगल कोलैब पे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं गूगल कोलैब पे ही इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ।
कल आप लोगों ने इंस्टॉल किया इसको अपने पाइथन आईडीएली पे, देखा था आप लोगों ने? यस सर। वर्क कर गया था? वर्क यस सर वर्क कर गया। ठीक है, तो वर्क कर रहा है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं इसको। देखिएगा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें। टॉपिक है हमारा प्लॉटिंग लाइन चार्ट इन डिफरेंट व्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट एस पी एल टी, उसके बाद इंपोर्ट numpy, मैं numpy का यूज करके बता रहा हूँ, इम्पोर्ट numpy एस एन पी। तो ये जो पी एल टी और एन पी हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम फंक्शन को एक्सेस करेंगे। तो पी एल टी इज प्लॉटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जो एन पी है, एन पी इज numpy ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके थ्रू हम फंक्शन को एक्सेस करेंगे। एन पी डॉट पी एल टी डॉट, तो ये सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कल हमने डिस्कस किया। सबसे पहले मैं कुछ वैल्यूज को अरेंज करना चाहता हूँ, तो वैल्यूज जो हमारी हैं एन पी डॉट अरेंज, ठीक है, एन पी डॉट अरेंज अरेंज अरेंज, स्टार्ट की वैल्यू देते हैं इसमें मान लीजिए 0, एंड की वैल्यू 20 और स्टेप चलेगा 1। तो ये 0 से लेके 20 तक, मतलब 19 तक के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है टी पे, तो मुझे बार बार वैल्यू सेट करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये। देन एस वन इक्वल्स टू कुछ रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो एक तो मैंने एस वन पे ये शर्त सेट कर दिया है, और एक हम S2 का यूज़ करते हैं, तो S2 का यूज़ करने के लिए इसमें कुछ वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं, 4, 6, 7, 3, 7, 8, 9, 10, देन उसके बाद 11, 12, 18, 14, 15, 16, मतलब मैं अभी जो वैल्यू सेट कर रहा हूँ वो कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, मैं कैसे भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड वैल्यूज मैंने यूज़ करी हैं, नॉट स्टैंडर्ड वैल्यूज बट, तो मैं इसमें जो फंक्शन का यूज़ करूँगा, डेट फंक्शन विल बी पी एल टी डॉट प्लॉट नहीं होगा, अब की बार सब प्लॉट होगा, क्योंकि मैं दो ग्राफ एक ही स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम सब प्लॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और सब प्लॉट में हम डिफाइन करेंगे कि कितने हमारे टोटल व्यूज़ कितने आएंगे, तो 2 व्यूज़ आएंगे, ठीक है, समझना इस चीज़ को, 2 व्यूज़ आएंगे 1, 1, मतलब कि मैं बता दूं आपको, 2 का मतलब है, 2 मीन्स टोटल व्यूज़ आएंगे, ठीक है, टोटल व्यूज़ हमारे कितने आएंगे, और टोटल व्यूज़, ठीक है, और 1 और 1 ये शो करता है कि दो ग्राफ हमारे बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से, तो ये रैंडम है, तो टोटल व्यूज़ हमारे इतने हैं। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, प्लॉट फंक्शन का यूज़ करूँगा, तो PLT.plot, तो पहला जो हमारा बनेगा वो दो एक्सिस के बीच में है, तो पहला तो मेरे पास टी है, टी इज कॉमन, और कॉमा जो बनेगा वो एस वन के लिए मैं पहले क्रिएट करता हूँ, तो एक जो ऊपर वाला ग्राफ बनेगा वो टी कॉमा एस वन बनेगा, ठीक है। अब इसमें मैं लेबलिंग कर देता हूँ, PLT.yLabel हो गया आपका वाई एक्सिस या वैल्यूज ऐसा कुछ, ठीक है, और PLT.title
अभी मैं फिलहाल इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो plt.title हो गया और यहाँ पे आ गया फर्स्ट ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ, ठीक है, ये आ गया plt.title। और सर एक बार लेजेंड का यूज करके दिखा। अच्छा ठीक है, देख लेंगे इसमें। plt.title plt.y लेबल में वैल्यूज आ गया, plt.title में आपका फर्स्ट चार्ट या फर्स्ट ग्राफ लिखा हुआ आ गया। और इसमें एक और चीज़ यूज़ करते हैं, ग्रिड, ग्रिड कर सकते हैं। ग्रिड का मतलब होता है मैट्रिक्स फॉर्म में, थोड़ा सा उसको अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए। अभी देख लेंगे, इसके बिना भी चेक कर लेंगे और इसके थ्रू भी ये कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे plt.grid आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा पहला पार्ट आ गया। अब मुझे दूसरा ग्राफ जो बनाना है वो plt.subplot है। subplot में टोटल व्यूज़ मेरे 2 हैं, ठीक है, और अभी जो मेरा करंट ग्राफ है वो 1 है और उसका जो सेकेंड पार्ट है वो ये बनेगा। तो plt.subplot 2, 1, 2। तो ये जो पहला 2 होता है ये तो टोटल व्यूज़ होते हैं, और जो दूसरा पोजीशन का होता है ये 1, 1, मतलब अभी हम एक ग्राफ पर काम कर रहे हैं। और लास्ट पैरामीटर जो होता है आपका वो बेसिकली होता है कि कौन से नंबर का ग्राफ अब आप क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको वो भी plt.plot कर देते हैं। plt.plot करने के बाद यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे पास उसको हम यूज़ करेंगे, वो है t, s2। तो t, s2 का मतलब है कि ये डेट विल क्रिएट अ सेकंड ग्राफ विद द वैल्यू ऑफ t एंड डेट इज़ फिक्स बाय द अरेंज फंक्शन, एंड s2 की वैल्यू आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो आपको मिल रही है, ठीक है। चलिए अब इसमें plt.x लेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ले देते हैं, आइटम्स हो गया हमारे लिए plt.x लेबल। plt.y लेबल चेक कर लेते हैं। तो y लेबल में हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये हमारा वैल्यूज़ के नाम से असाइन हो जाएगा। और plt.title को देखें तो ये हमारा टाइटल ग्राफ बनता है सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ, ठीक है। देन उसके बाद plt.grid, अभी ग्रिड का यूज़ एक नया कॉन्सेप्ट है। ग्रिड से हमें ग्राफ जो है वो बहुत ही क्लियर दिखेगा, मतलब ग्रिड फॉर्म में दिखेगा, मैट्रिक्स फॉर्म में, जाली जैसे कहते हैं नेट बनता है ना, उस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमने इसमें क्रिएट करी हैं। और लास्ट में इसको plt.show कर देते हैं, plt.show। अभी लेजेंड का यूज़ मैं बताता हूँ, फिलहाल आप इसको देख लीजिए। और यहाँ पर एक plt.y लेबल में x लेबल करना भूल गया, तो plt.x लेबल, और x लेबल पे जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो हैं, वो भी आइटम्स हैं, तो items, ठीक है, ये भी आइटम हो जाएगा। तो इस तरह का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, किया है हमने। अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, तो इस तरह का व्यू हमें मिल जाएगा। इसमें कलर आप चेंज करना चाहें, कलर चेंज किया जा सकता है। तो कलर के लिए आप क्या करेंगे, कलर के लिए आप कलर रिक्वेस्ट टू कहीं पे भी जहाँ पे आप इसका यूज़ कर रहे हैं इसको अलग से दे देते हैं, कलर इक्वल्स टू रेड, ठीक है। अब देखते हैं वेरिएशन क्या आता है। अब थोड़ा सा ये अलग फॉर्म में बन जाता है। लेजेंड की अगर आप बात कर रहे हैं तो आई सपोज कि लेजेंड जो है आपका वो अलग अलग आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट ग्राफ के लिए देखते हैं, जब सब प्लॉटिंग ग्रिड हो गया, ग्रिड से पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ plt.legend, इसको रन करते हैं। तो नो हैंडल विद लेबल फाउंड ऑन टू पुट इन लेजेंड। एक्चुअली लेजेंड्स के लिए हमने इसको लेबलिंग करना जरूरी है, मतलब कि इसको नाम क्या देना है, ठीक है ना, नाम क्या देना है वो बताना इसमें जरूरी है। तो लेबल इक्वल्स टू, अगर मैं लेबलिंग कर दूँ तो शायद ये वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेबल इक्वल्स टू फर्स्ट लाइन, ऐसा कुछ, लेबल इक्वल्स टू फर्स्ट लाइन। अब इसको रन करते हैं, अभी आ जाएगा लेजेंड यहाँ पे, इसका लेजेंड अलग आएगा। अब यहीं पे अगर मैं कलर इसको दे दूँ, कलर ऑलरेडी गिवन है दूसरे वाले पे, ये वाला, यहाँ पे लिख देते हैं लेबल इक्वल्स टू
सेकेंड लाइन, फिर अगर इसको रन करें विद द लेजेंड तो लेजेंड असाइन करते हैं plt डॉट लेजेंड, तो देन इसको अगर रन किया जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है रन करने के समय पे भी आपको एक सेकेंड लाइन पे भी लेजेंड मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा स्टूडेंट्स ये क्लियर है आपको। देखिएगा सबसे पहले मैटप्लॉटलिब जो मॉड्यूल है लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना है। पी वाई प्लॉट उसका मार्कर होता है और plt का ऑब्जेक्ट है जो जो प्लॉटिंग करेगा, जो सारे फंक्शन को एक्सेस करेगा जो मैटप्लॉटलिब के अंदर है। उसी तरीके से numpy नाम का भी एक पैकेज है हमारे पास, एक लाइब्रेरी है जिसके लिए np मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो जो भी फंक्शन numpy के अंदर है वो उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए numpy का केवल यूज़ करना आपको बताया है यहाँ पे, क्योंकि ml में इसका काफ़ी यूज़ होगा। तो t=np.arrange का मतलब है टी के पास कुछ वैल्यूज आएंगी, टी के पास कुछ वैल्यूज आएंगे। अब चेक कर लेते हैं वैल्यूज़ क्या है। देखिए मैं प्रिंट टी कर देता हूँ, अगर आप प्रिंट टी करते हैं तो आपको वैल्यू शायद मिल जाए। देखते हैं, तो ये वैल्यूज इसके पास आ गई, तो मतलब टी के पास एक लिस्ट बन गई जिसमें ये सारी वैल्यूज आ गई, मतलब मुझे बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई, प्रिंट टी कर दिया तो उससे आपको वैल्यूज मिल गई। अब मैंने s1 s2 दो वैल्यूज लिए हैं, दो फील्ड लिए हैं जिसमें ये रैंडम कुछ भी मैंने वैल्यू डाल दी है, लेकिन दो टोटल जो वैल्यू है 20 होनी चाहिए इसके हिसाब से, क्योंकि ये वैल्यूज भी टोटल 20 आ रही हैं, तभी ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले plt.subplot किया। अब subplot का मतलब है, subplotting का मतलब है जब आप मल्टीपल व्यू शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट फील्ड जो कि 2 होता है, 2 का मतलब होता है टोटल व्यूज आप कितना दिखाना चाह रहे हैं, और नेक्स्ट होता है कि 1 मतलब करेंटली मैं एट प्रेजेंट 1 का मतलब है एट प्रेजेंट, और इस 1 का मतलब होता है थर्ड पैरामीटर का कि मैं फर्स्ट ग्राफ को क्रिएट कर रहा हूँ, आउट ऑफ 2 मैं फर्स्ट ग्राफ को क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ plt.plot करेंगे तो ये आपके पास टी एक्स एक्सिस हो गया, s1 हो गया, y एक्सिस हो गया, और कलर इसका रेड है और लेबल इसका फर्स्ट लाइन है। ठीक है, लेबल की जरूरत से नहीं है लेकिन लेजेंड दिखाना है तो हमें शो करना पड़ेगा। plt.y लेबल का नाम है वैल्यूज, x लेबल का नाम है आइटम, टाइटल का नाम है फर्स्ट ग्राफ, लेजेंड का नाम है ये, ग्रिड का नाम है ट्रू। ग्रिड का ट्रू का मतलब है कि आप जो भी ग्रिड दिखाओ वो ट्रू है, मतलब कि उसको शो करना है। तो ग्रिड से अगर आप देखें तो ये जो लाइन बन रही है सारी की सारी नेट टाइप का जो बन रहा है ये ग्रिड के थ्रू होता है, कुछ नहीं है, ग्राफ को थोड़ा इंटरेक्टिव दिखाने का तरीका है। डेट से ट्रू कर देते हैं, ट्रू का मतलब है कि दिखाओ, शो करो उसको। ठीक है, चलिए ये तो आपका पहला ग्राफ बन गया, यहां तक तो आपका पहला ग्राफ क्रिएट हो गया। उसके बाद plt.subplot सेकंड ग्राफ की बात करते हैं, तो माई सेकंड व्यू करंट ग्राफ इज 1 लेकिन दिस इज द सेकंड नंबर ऑफ ग्राफ, तो 212 ऐसा चलेगा। plt.plot करेंगे t, s2 पहला एक्स एक्सिस है टी, वो तो कॉमन चल रहा है हमारा, s2 हो गया हमारा y एक्सिस हो गया, और लेबल हमारा सेकंड लाइन हो गया जिसको मैं लेजेंड के लिए भी यूज करूंगा। तो मेरे x लेबल का नाम भी आइटम है, y लेबल का नाम वैल्यूज है, टाइटल इसका नाम है सेकंड ग्राफ, इसका लेजेंड शो होगा और इसको ग्रिड में दिखाया जाएगा। तो ग्रिड में दिखाने का मतलब है ये ट्रू बनेगा और लास्ट में इसको शो कर देंगे। जब ये पूरा काम हो जाएगा लास्ट में इसको प्लॉटिंग जब हो जाती है, प्लॉटिंग करने के बाद आपको स्क्रीन पर शो करना होता है, तो plt के पास ये सारा रिकॉर्ड आ चुका है। अगर आप देखें यहां से लेके यहां तक plt के पास सारा दोनों ग्राफ का रिकॉर्ड आ चुका है, बस करना क्या है आपको, अब की बार उसको शो करना है। तो जैसे ही आप plt.show करेंगे तो आपको ये ग्राफ दो अलग अलग फॉर्म में कंप्यूटर स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो डेट इज अ मेथड डेट हाउ वी कैन शो मल्टीपल व्यूज ऑन मल्टीपल व्यूज या मल्टीपल ग्राफ्स को आप एक स्क्रीन पर कैसे प्रिंट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट द टॉपिक इज। सो शोइंग द मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल ग्राफ्स ऑन ए सिंगल शीट, ये आपका आता है यूजिंग मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो मेन इसमें हम सबप्लॉट का यूज करते हैं, तीसरा ग्राफ भी आप दिखा सकते हैं इसमें, ये भी पॉसिबल है, तो इस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, देखें इसको,
क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल व्यूज का ही क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको देयर आर थ्री डिफरेंट branches of engineering, so पहली है computer science, दूसरी है production engineering और तीसरी है इसमें electrical engineering। तो इसमें जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैं नेम असाइन कर रहा हूँ, अमन, राघव, सुमित, प्रतीक और मानिक, ठीक है। और प्रोडक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें है सुनील, अनिल, प्रीतम, श्रेया, यश। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो हैं आप आपके अफजल, कार्तिक, उदित, मुकेश एंड अभिनव, ठीक है। अब तीनों के जो स्कोर हैं, जो CGPA है, CGPA जो लास्ट में आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री जो बनता है, तो मैं परसेंटेज के हिसाब से बता देता हूँ। तो CGPA की अगर हम बात करें तो इनका जो CGPA है, मैं आपके शो करता हूँ, आउट ऑफ 100 होता है 72, 78, 66, 69 and 81। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनका है 71, 78, 82, 91 and 70। इलेक्ट्रिकल वालों का है 67, 69, 71, 72 and 84। आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ मल्टीपल व्यू ग्राफ फॉर डिफरेंट थ्री स्ट्रीम्स, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस पर आएगा नेम आएंगे, अमन हो गया, राघव, सुमित, प्रतीक, मानिक, और वाई एक्सिस पे आएंगे इनका CGPA, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राई करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए इसको आज। यस सर।